नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज बुधवार यानी 30 सितंबर 2020 को डीजल और पेट्रोल दोनों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज दिल्ली में डीजल का रेट 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा, तो वहीं पेट्रोल का रेट 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज बुधवार यानी 30 सितंबर 2020 को मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मजबूती के साथ 73 रुपए 84 पैसे के स्तर पर खुला। वहीं मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 73 रुपए 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। बिग बॉस 14 अपडेट्स, राधे माँ के घर में एंट्री का वीडियो वायरल, 7 कंटेस्टेंट के बाद शो में तहलका। बिग बॉस 14 को शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं, ऐसे में चैनल में एक वीडियो सामने लाया है जो इस साफ तौर पर बता रहा है कि शो में इस बार राधे माँ की एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें कि राधे माँ के नाम के साथ ही शो में कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है। महाकुंभ बनेगा पूरी दुनिया के लिए भव्यता दिव्यता का मानक। साल 2024-25 में होने वाला प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए भव्यता दिव्यता और सुव्यवस्था का मानक बनेगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोई भी तैयारी अपूर्ण और अस्थायी नहीं होनी चाहिए। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। हाथरस मामले में सीएम योगी ने किया एसआईटी का गठन। 19 वर्षीय दलित युवती के साथ दरिंदगी और फिर पुलिस वालों की अमानवीयता से पूरे देश में आक्रोश है। तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप केस की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की यह टीम 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि इस एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। चीन के साथ टकराव के बीच तेजी से लद्दाख में बन रहा हाईवे। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव के बीच भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने में लगा हुआ है। दिन रात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के मजदूर काम करने में लगे हुए हैं। जांस्कर नदी के करीब स्ट्रेटेजिक हाईवे के लिए जमीन को ठीक करने का काम जारी है। यह एक नया रास्ता है जिसका निर्माण चीन बॉर्डर के करीब तेजी से जारी है। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट। चीन के साथ जारी टकराव के बीच ही भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया है और अब यह 400 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट्स को भेज सकती है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के PG-10 प्रोजेक्ट के तहत किया है। टाटा का 5525S ट्रक हुआ लॉन्च। टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी नई मल्टी फीचर ट्रक 5525S को लॉन्च कर दिया है। इस ट्रक की क्षमता 55 टन माल ढोने की है। टाटा मोटर्स का दावा है कि यह ट्रक सेगमेंट में किफायती होने के साथ साथ कम लागत खर्च में चलाई जा सकती है, जिससे ट्रक मालिक को ज्यादा फायदा होता है। इस ट्रक को टाटा मोटर्स ने पावर ऑफ 6 मानकों पर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI कोर्ट का फैसला। बाबरी विध्वंस मामले में आखिरकार 28 साल बाद आज CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। जज SK यादव ने कहा कि फोटो वीडियो में जिस तरह से सबूत पेश किए गए हैं उसमें आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजन, फेस्टिव सीजन में कंपनियां दे रही बम्पर जॉब। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट फेस्टिव सीजन में 3 लाख नौकरियां देगा। जी हाँ, त्योहारी मौसम में लोगों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद में ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियां देश में करीब 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगी। अगले महीने की 16 तारीख से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा गिर जंगल। दुनिया भर में एशियाई शहरों के लिए पहचाने जाने वाला गिर अभ्यारण्य 16 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। कोरोना महामारी के चलते या किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, मगर अब अगले महीने से फिर पर्यटक घूम सकेंगे। साथ ही सफारी वैन का भी मजा लिया जा सकता है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख। अगर आप फ्री राशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकारी राशन पाने के लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज आखिरी मौका है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी।
अक्षय कुमार का दिवाली धमाका, कई देशों में सिनेमाघरों में रिलीज होगी लक्ष्मी बम, फैंस उत्साहित। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम भारत, अमेरिका, यूके और कनाडा में 9 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर करने वाली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई में फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म दिवाली के मौके पर बड़ी स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। लगातार 10वें दिन भारत में कोविड 19 के 90,000 से कम केस आए सामने। मौजूदा मरीजों की संख्या 9,40,000 हुई। यह बीते 20 दिन में सबसे कम, अब तक 62.23 लाख संक्रमित। आईपीएल में आज कोलकाता वर्सेज राजस्थान। लीग का सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली रॉयल्स 5 साल में केकेआर के खिलाफ एक ही मैच जीत सकी। यूएई में 2 हाई स्कोर भी इसी टीम के नाम। आईपीएल के 13वें सीजन का 12वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद। फार्मा शेयरों में बढ़त, लेकिन मेटल स्टॉक्स में बिकवाली। बीपीसीएल का शेयर 9% फिसला। सोना चांदी में आज रौनक देखने को मिली है। आज सोना और चांदी के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। ना सिर्फ सोना मजबूत हुआ है बल्कि चांदी में भी तेजी आई है। आज 24 कैरेट सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 50,528 रुपए पर खुला। वहीं चांदी के रेट में सुबह 372 रुपए की तेजी आई और दाम 59,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। यूपीएससी एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाएं नहीं टलेंगे। सरकार को लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को एक और मौका देने को कहा। 2020 की परीक्षाओं को 2021 की परीक्षाओं के साथ मिलाकर करवाने की याचिका भी खारिज कर दी गई। 4 अक्टूबर को 72 शहरों में आयोजित होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे।